कुड़िया नखरेबाज। तो आप लोग आइए आगे देखिए, बहुत अच्छा ड्रामा है। कुड़िया नखरेबाज, बड़ियां नखरेबाज होंगे नहीं ये कुड़िया। मैं अक्सर आगे करो तुम तुम जो गल कितने जा रही है कि ये है। अच्छा बदतमीज, सॉरी मेरे फ्रॉक कलर से जान पे आ गया। अच्छा बकवास। और आए अपने दोस्तों को भी लाए, फैमिली प्ले है, बहुत अच्छी स्टोरी चल रही है। इसमें मेरा जो किरदार है वो है स्टूडेंट का, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का किरदार है। बहुत अच्छा फैमिली प्ले है। इसमें मैं बदमाश का रोल अदा कर रही हूँ जो कि बहुत ही प्यारा जा रहा है। हमारा ड्रामा बहुत हिट जा रहा है। ये शानदार कहानी है जिसमें लड़के लड़कियाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हम कोशिश ये भी कि फैमिलिया नू ड्रामे वाले पास ले आया जावे, तो ड्रामा साड़ा बड़ा बेहतरीन है। बहुत खूबसूरत ड्रामा और मैं रोल कर रहा हूँ वो स्टूडेंट का जिहड़ा कि मुद्दतों तो फेल होता आ रहा है, तो सब तो ओल्ड एज स्टूडेंट है। मैं थोड़े अगर रिक्वेस्ट करा अपनी फैमिली ना लाओ, एक शाम साढ़े ना मनाओ, बल्कि सत शाम साढ़े ना मनाओ। यकीन जानिए कि ये एक नई स्टोरी है बिल्कुल, ये लड़कियों और लड़कों के यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ते हैं और हॉस्टल में रहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ये मैं कहना चाहूँगी कि मेरा बहुत अच्छा रोल है ड्रामे में। ड्रामे का नाम है नखरेबाज कुड़ियाँ, नहीं सॉरी कुड़ियाँ नखरेबाज। तो आप लोग आइए आगे देखिए, बहुत अच्छा ड्रामा है। आज हमारे दो शो हैं और ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। और इसमें आपको नज़र तो आ ही गया होगा कि मेरा क्या रोल है। मैं एक म्यूज़िकल आर्टिस्ट हूँ इस ड्रामे में और मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है। तो आप लोग आइए आके देखिए, बाकी सब आपके लिए सरप्राइज़ है। तो देखना ना भूलेगा तमाशील में कुड़ियाँ नखरेबाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी सोनू भट्ट। तो मैं गुड्डू कमाल। हम इस टाइम तमाशील थिएटर में ड्रामा कर रहे हैं लड़कियां नखरेबाज, कुड़ियां ना कुड़ियां नहीं, ਤੁਸੀਂ ਉੜਦੋ ਚੁਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਖਰੇਬਾਜ਼, ਬੜੀਆਂ ਨਖਰੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਦਤਮੀਜ਼, ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਫਰੂਟ ਕਲਰ ਤੇ ਜਾਣ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਕਵਾਸ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਖਰੇਬਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਮੇ ਐਕਟ ਰਿਐਕਟ ਔਰ ਕਾਮੇਡੀ ਤਿੰਨੋ ਚੀਜ਼ੇ ਹੈ। इसके डायरेक्टर है अजहर मलिक साहब और इस ड्रामे के प्रोड्यूसर है कैसर सनावला साहब। हाँ जी कैसर सनावला साहब, तो एक शाम जरूर साढ़े ना मनाना, तो सानू छेड़ना छूना ना, तो मेहरबानी है। वैसे गल की थी रोशिमानता। इसी तरह की बहुत सी चीज़ें ड्रामे में है, सिचुएशन भी है और बहुत प्यारा करैक्टर मैं कर रही हूँ। बहुत प्यारा गुड्डू करैक्टर कर रहा है। जी जी, मैं एक बेवा औरत का करैक्टर कर रहा हूँ जी, इन्हां दी मां बनी हूँ मैं। वैसे गल की थी ठीक है। और आप देखने आए अपनी फैमिली को भी लाएं, जैसे कि आप लोग को पता है कि पहले भी तमाशील में फैमिली प्ले होते हैं, अपने दोस्तों को भी लाएं और हमारा ड्रामा ज्वाइन करें। बहुत प्यारा प्ले है और जो ड्रामा तुम देखोगे तो बड़ा मजा आएगा। मेरियां बफियां ते जफियां नाल जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उंजा खान। जैसे कि आप लोगों को पता है लाहौर में तमाशील थिएटर में ड्रामा चल रहा है कुड़ियाँ नखरेबाज, जिसमें बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी कास्ट है। आयशा चौधरी हैं, खुशी है, सोनू भट्ट हैं, मैं हूँ और भी बहुत अच्छी कास्ट है। और आए अपने दोस्तों को भी लाए, फैमिली प्ले है, बहुत अच्छी स्टोरी चल रही है। इसमें मेरा जो किरदार है वो है स्टूडेंट का, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का किरदार है। बहुत अच्छा फैमिली प्ले है। आए अपने दोस्तों को भी लाए, अपनी फैमिली को भी लाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी परिजान। मैं ड्रामा कर रही हूँ तमाशील थिएटर में। ड्रामे का नाम है नखरेबाज कुड़ियाँ। इसमें मैं बदमाश का रोल अदा कर रही हूँ जो कि बहुत ही प्यारा जा रहा है। हमारा ड्रामा बहुत हिट जा रहा है। शाइकिन को क्या कहेंगी? शाइकिन से मेरी दरख्वास्त है कि आए हमारा ड्रामा देखें, बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत बिग कास्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सज्जाद शौकी और ड्रामे का नाम है अपना नखरेबाज कुड़ियाँ। जी हाँ, तमाशील ऑडिटोरियम के ड्रामा लगे हुआ है जिदे राइटर डायरेक्टर ने अपना अजहर मलिक साहब, तो ये प्रोड्यूसर ने कैसर सनावला साहब। तो कैसर सनावला साहब की इस टाइम कोशिश ये भी कि फैमिलिया ड्रामे वाले पास ले आया जाए, तो ड्रामा साड़ा बड़ा बेहतरीन है। इस ड्रामे दे विच नहीं, हर ड्रामे दे विच इस टाइम जिहड़ा भी ड्रामा जा रहा है, पिछे असी ये ड्रामा किया भाग लगे रहन, उस तो पहले चूड़ियाँ, चूड़ियाँ तो पहले बड़े मज़ेदार ड्रामे हो रहे हैं इतने, मतलब मैं नाम भी नहीं याद, इतने अच्छे अच्छे असी ड्रामे किए ने। तो मैं इस ड्रामे दे विच स्टूडेंट का करैक्टर कर रहा। असी चार स्टूडेंट एक कमरे, दो कमरे दे विच, एक कमरे दे विच दो स्टूडेंट रह रहे हैं, एक कमरे दे विच दो, लेकिन एक पासे लड़कियां रह रही ने। तो वो जिहड़ियां कॉलेज दे विच साडे डायरैक्टर साहब ने सानूं दस्सिया जिहड़ियां हरकतां होंदियां ने, क्योंकि हर बंदा इस प्रोसीजर चो गुजर के आया होंदा, असी भी गुजर के आए हैं। तो वो बड़ा मज़ेदार ड्रामा बनया हुआ है। ये फिर एक स्टोरी भी है कि बई जिहड़े बच्चे जिहड़े ने बिगड़ जाते हैं उन्होंने राह रास्ते किवें लैके आना है, जिहड़े माँ बाप के बेअदब ने उन्होंने किवें अदब दस्या गया कि पढ़ाई सिर्फ शऊर सिखाती है ना कि बदतमीज़ करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अयूब मिर्ज़ा। मैं बड़ा कुछ कहूँगा ड्रामे के बारे में,
मैं तमसील दे चैस वेले खड़ा वहाँ साडा ड्रामा चल रहा कुड़ियां नखरेबाज जिदे डायरेक्टर राइटर हदायतकार कैसर सनावला साहब और अजहर मलिक साहब ने मैं जिहड़ा डिसिप्लिन देखिया मैं बाकी थिएटर नालों बड़ा ही खूबसूरत माहौल वेख्या हट के वेख्या यकीन करो खुदारा मैं झूठ नहीं बोलता मैं अपने अल्लाह नूं जान देनी मैं बहुत मुद्दत बाद ऐसा खूबसूरत माहौल वेख्या कि हर आर्टिस्ट अपने अपने काम कर रहा है और बेहतरीन काम कर रहा है और लेडीज़ फीमेल अपने मतलब जदोजहद अपनी मेहनत नाल अपना पूरा परफॉर्म कर रही ने जिवें ड्रामा चलता है उवें चल रहा है और नहायत खूबसूरत ड्रामा और मैं रोल कर रहा वो स्टूडेंट का जिहड़ा कि मुद्दतों तो फेल हों आ रहा है तो सब तो ओल्ड एज स्टूडेंट है जिहड़ा कि वो मतलब स्टूडेंटा के नाल वो पास होंदे जांदे ने ते मैं फेल हुंदा जांदा लेकिन मैनू इन्ना मज़ेदार माहौल बहुत मुद्दत बाद नज़र आया अल्लाह पाक इस माहौल में ता कियामत सलामत रखे और सारे थिएटर जिहड़े ने वो इस तरीके नाल ही चलन और इस तरह खूबसूरत सारे थिएटर खूबसूरत ने लेकिन ये आके तमसील का एक दौर वेख्या सी असी स्टार्ट दे विच सानू उस तरह ही वेखण च मिलिया तो नहायत मज़ा आया बाकी थिएटर च भी बड़ा मज़ा आया लेकिन यदा थोड़ा जहा ना यह लगे भी जिमें मतलब एक मज़ेदार जहा माहौल लगे यानी कि जिमें अफजाल चिट्टा साहब के दौर के असी माहौल देखते सानू तमसील का उस तरह ही माहौल लगे हर थिएटर का एक अपना अपना माहौल है अल्लाह पाक इन्हों खुश रखे आबाद रहन बहुत शुक्रिया अस्सलामुअलैकुम होचा क्या हाल है ठीक ठाक है आप सब लोग मेरा नाम रफाकत खोकर है इस ड्रामे में मैं तमसील में पठान का पार्ट कर रहा हूँ पठान का पार्ट पठान नहीं हूँ हाँ जी मैं पठान नहीं है सर मैं थोड़ा खादम रफाकत खोकर तमसील दे विच ड्रामा चल रहा है कुड़ियाँ नहरेबाज और बहुत अच्छा ड्रामा है मैं थोड़े अगर रिक्वेस्ट करांगा अपनी फैमिली नाल आओ एक शाम साढ़े नाल मनाओ बल्कि सत शाम साढ़े नाल मनाओ बहुत अच्छा ड्रामा है इंटरटेन ड्रामा है और ये ड्रामा तैयार किया स्पैशली कैसर सनावला साहब ने और हमेशा कोशिश करते हैं कि ड्रामा अच्छा फैमिली तमसील की पहचान बनी रहे और अजहर मलिक साहब ने इन्हें तैयार किया ये बहुत अच्छी कास्ट है थोड़े मुंतजर बहुत शुक्रिया बहुत मोहब्बत बहुत प्यार आप एक बार हमारे पास ज़रूर आइए शुक्रिया असल मलिक में जी मैं हूँ राइटर डायरेक्टर अजहर मलिक इस वक्त तमसील थिएटर में ड्रामा हमारा चल रहा है एक बहुत खूबसूरत ड्रामा यकीन जानिए कि ये एक नई स्टोरी है बिल्कुल ये लड़कियों और लड़कों के यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ते हैं और हॉस्टल में रहते हैं ये हॉस्टल में रह रहे हैं लड़कियाँ और लड़के आपस में इनकी दुश्मनी चल रही है दोस्ताना भी चल रहा है कोई जो टॉपर हैं वो एक दूसरे के साथ उनकी लगती है कि मैं ज़्यादा नंबर लूँगा वो कह रही है कि मैं ज़्यादा नंबर लूँगा तो एक लड़की रोशनी है और इधर फराज है वो दोनों टॉपर हैं आपस में लगते हैं तो अमीर माँ बाप के बेटे और बेटी है तो छेड़छाड़ इतनी बढ़ जाती है कि वो यूनिवर्सिटी की दीवारों पर एक दूसरे का नाम लिखते हैं जैसे कुछ ओवर से अल्फाज लिखे जाते हैं वो लिख देते हैं फिर उनको आपस में मोहब्बत हो जाती है वो कहती है कि मैं जो है यहाँ पे शादी करूँगी एक किसी और लड़के के साथ तुम्हारे साथ नहीं करूँगी तो वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में वो बारात लेके आ जाती है तो वो कहता है कि ये बारात किधर किसकी आई है तो कहती है मैंने इस लड़के के साथ शादी कर ली है कि जो एक विलन टाइप लड़का होता है उसके साथ तो कहती यहाँ क्यों लेके आ गई हो कहते मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मैंने के साथ शादी कर लिया मौलवी साहब कहती है कि निकाह पढ़ाए तो मौलवी जो है वो मौलवी साहब जो है वो लड़के फराज के साथ ही पूछने चले जाते हैं कि क्या तुम्हें इसके साथ शादी मंजूर है तो वो कहता है क्या मतलब कहता है ये तुम्हारे साथ ही शादी करने आई है मैं कहता हूँ कि फनकार बहुत मेहनत कर रहे हैं मुतमिन है और जैसे स्क्रिप्ट लिखा जाता है अब बिल्कुल वैसे हो रहता है यहाँ पे चार पाँच छः सात बल्कि रिहर्सल होती हैं जुम्मे से एक जब हम पहला शो करते हैं तो दूसरे रिहर्सल शुरू हो जाती है सुबह पाँच छः बजे तक रिहर्सल जाती है हमारी नींदें उड़ी होती हैं यकीन जानिए बहुत मेहनत हो रही है स्क्रिप्ट पे सेट पे ड्रेसेस पे हर चीज़ पे गानों पर बहुत मेहनत के साथ हम लोग ड्रामा कर रहे हैं।